किसान भाइयों, पिछले 10-15 दिन से आप लगातार इस किसान की भलाई में सरकार के काले कानून के खिलाफ आप इस सर्दी के मौसम में रोड के ऊपर आप गुजार बसर कर रहे हैं। मैं आपके आप लोगों ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया, पंजाब से भाई चले यहाँ दिल्ली तक आए, आपकी हौसला बजाई, आपके नेतृत्व की मैं तहे दिल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार जब आप चले आपके साथ हरियाणा आज पूरे हरियाणा प्रदेश की 200 खातों के तमाम प्रधान और भाई आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। मैं तो भाइयों को बताना चाहता हूँ, जब जब देश में जरूरत पड़ी निश्चित पूर्वों ने सिख समाज में देश में बहुत मेरे बुजुर्ग भाइयों मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, इस हिंदू धर्म को बचाने में हिंदुस्तान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का था। आप इस प्रकार संघर्ष करें, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आज ये आपका आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर पूरे भारत का आंदोलन है। मैं तो मोदी जी से ये कहूंगा, ये 85% जनता जो छोटी किसानी के ऊपर निर्भर है, इस मौके को मंच बना मोदी जी, ये आपको याद रखेंगे, आपसे उम्मीद थी। आप एक गरीब घर में पैदा हुए, एक गरीब की तकलीफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है, इसलिए जरूरी है इस समस्या का समाधान करना। 1965 की लड़ाई के बाद जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने MSP किसानों को दी थी, उसका आज भी लोग अनुकरण करते हैं, आज भी उसकी कदर करते हैं, वो इतिहास के अंदर दर्ज है। ये मौका मिला है, कबीर जी ने भी कहा है, यही मौका जी मेरा साधो, यही समय जाने का, अगर इस मौके पर छोड़े तो 85% गरीब की दवा आपको लगेगी। मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो जाएगा, गरीब मतवा आपको बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा, इसलिए यही समय है इन भाइयों की भावना की कदर करते हुए तुरंत प्रभाव से आज ही किसान समस्या का समाधान और आने वाले भविष्य तक ये नौजवान जो कौम से पैदा हुए इनके भविष्य को सुधार करते हुए इस कानून को देख करके नई व्यवस्था के साथ जो किसान भाइयों के हित में हो आप वो फैसला लेके इनकी दवा ले, मेरी प्रार्थना है। मैं ये भाइयों को यह भी कहना चाहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके संघर्ष के आगे, सरकार आती जाती है, बदलती रहती है, हमने बहुत सी सरकारें देखी, बहुत सारे नेतृत्व क्या जिसने भी जनता जनार्दन के जनता जनार्दन के जनादेश को ठोकर मारी, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई, उसका रिजल्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सरकार की तरफ यह मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, आज इस तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान करके आप इतिहास लिखें और इन भाइयों की आने वाली पीढ़ी जो हमारी कौम है जो रोडों पर घूम रही है उस भविष्य के लिए बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करने का काम करें। ये जनता आपको बख्शने वाली नहीं है मेरे बुजुर्ग भाई। मैं भाइयों से यह भी प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार आप लोगों ने धैर्य बना रखा, जिस प्रकार का आपने डिसिप्लिन दिया, मेरी तमाम हरियाणा के भाइयों से भी प्रार्थना है, तमाम खाबा प्रधानों से भी प्रार्थना है, वेल डिसिप्लिन हमें अनुमान सीखे, इन भाइयों से सीखे नेतृत्व, इन्हीं के रूप में फैसला भाइयों ने कहा दिल ने फैसला है, हम तो कंधे से कंधा में लगे, भाइयों से पहले आपके पसीने से पहले हम खून देने के लिए तैयार है भाइयों के बीच। आपको इसी तरह लगे रहे, आपको जीत आपके चरणों में।